सब हो गया भैया, चेहरा ढकने से पहले फोटो ले लो। सर थोड़ा सा बता दीजिए, बोर्ड में जो है क्राइम ब्रांच जो है कमिश्नर गाजियाबाद के द्वारा जो है एक बहुत ही बड़ी सफलता मिली है, जिसमें जो है गैंगस्टर एक्ट का जो वांछित जो है 50,000 के इनामिया प्राण सिंह पुत्र महेश सिंह, जो कि सनी चौक इंदिरापुरम गाजियाबाद का रहने वाला है, और इस पर अभी एडिशनल सीपी महोदय द्वारा जो है 50 विरुद्ध जो है लूट आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर के अंतर्गत जो है 6 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसकी तलाश बहुत दिनों से गाजियाबाद पुलिस द्वारा की जा रही थी, और इसी संदर्भ में जो है काफ़ी आज जो है सर 50 पकड़ा गया है, क्या डिटेल है इस पर, इस तरीके से इसकी गिरफ्तारी संभव हो पाई है? आज जो है क्राइम ब्रांच कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा जो है बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। आज भोर में जो है एक गैंगस्टर एक्ट का जो है वांछित अभियुक्त जो है, जिसका नाम है प्राण सिंह पुत्र महेश सिंह, जो कि सनी चौक इंदिरापुरम गाजियाबाद का रहने वाला है, और जिसपे जो है पूर्व में जो है लूट आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर के 6 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसकी गाजियाबाद पुलिस द्वारा बहुत समय से तलाश की जा रही थी, जिसकी आज जो है गिरफ्तारी हुई है, और जिसमें अभी रिसेंट में ही जो है एडिशनल सीपी महोदय द्वारा जो है 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। तो ये 2019 में इसके खिलाफ केस दर्ज थे और ये कलकत्ता भाग गया था, और क्या काम कर रहा था और आकर ये प्रैक्टिस हो पाया? 2019 ये जो है इससे जब गिरफ्तारी हुई, इससे जब पूछताछ हुई, तो इसने बताया कि ये इंटर तक पढ़ा है, और इसके पिताजी मूलतः जो है वैशाली बिहार के रहने वाले हैं, जहाँ पे बीमा एजेंट का काम करते थे, जहाँ पे जो खर्चा अधिक होने के कारण इसका खर्चा नहीं चल पाता था, तो ये गाजियाबाद आया, शुरू में मजदूरी किया, और इसने जो है एक संजीत कुमार और यहाँ कहा था कि मोबाइल छीनना, चैन छीनना, और कभी कभी किराए की टैक्सी बुक करते थे लोग, सुनसान जगह पर जाकर उसको असलाह दिखा कर मोबाइल और पैसे ले लेना। इसकी पहली बार गिरफ्तारी जो है 2018 में जो है लूट की घटना में हुई थी, और उसके बाद से 2019 में इसके खिलाफ गैंगस्टर लगा था, तभी से वांछित चल रहा था, और जब से गैंगस्टर लगा तब से कलकत्ता भाग गया था, उसके बाद वो बॉम्बे चला गया, फिर उसके बाद से अंकलेश्वर गुजरात में गया, और अभी वर्तमान में जो है ये हावड़ा जाने वाली जो ट्रेनें हैं उसमें क्लिनिक सुपरवाइज़र का काम कर रहा था।